तो वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्यूबॉइड को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्यूबॉइड का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, क्यूब पढ़ चुके थे हम लोग, अब क्यूबॉइड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चल, तो क्यूबॉइड अगर आपको समझना है तो आपको, आप इमेजिन करिए कि आप क्यूबॉइड कहाँ देखते हैं, क्यूबॉइड किस शेप का है, क्यूबॉइड के बारे में आप क्या समझ सकते हैं। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यूबॉइड आप कहाँ देखें। होता तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ देखते हैं। तो ये चीज़ तो आप पक्का देखे होंगे, क्या है भाई ये घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका नाम है ईंट। क्या है ये? ईंट। ईंट ऐसे ही लिखते हैं, ईंट। ब्रिक। तो ईंट तो देखें ये घर बनाने के लिए ना, बिल्कुल यही है। हमें लग रहा है डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है क्या, ऐसे होना चाहिए था थोड़ा सा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है, ईंट है हमारे पास, ये इसी ठीक है, ठीक है ना। नाम क्या रख दें, ईंट का नाम क्या रखें? चलिए आई फॉर इंडिया रख देते हैं, ठीक है ना। भारत हमारा प्यारा प्यारा देश है, आई फॉर इंडिया। चलिए, ईंट मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए, देश मजबूत होगा, यहाँ के लोग मजबूत होंगे, यहाँ का युवा मजबूत हो, हर परिवार मजबूत हो, सशक्त हो, सशक्त भारत, स्वच्छ भारत, ठीक है ना। हाँ जी, सही बात है, आपके शिक्षा का महत्व यही होना चाहिए। आप पढ़ लिख रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो एक सभ्य समाज की स्थापना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे यह बताइए, आप खुद स्वयं सोचिए कि चाहे पुरातन समय हो, चाहे आधुनिक समय हो, चाहे कोई भी समय हो, समाज में कई प्रवृत्ति के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं हैं, और उन सभी विचारधाराओं के बीच में कई में सामंजस्य है, कई में मतभेद है। तो मेरा यह मानना है कि एक शिक्षित व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या होता है थोड़ा सा समझाना चाहें, अगर हम आपको दो मिनट लूँगा आपका, धैर्य क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो ऐसी समस्या आने पर आप उस समय क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उस प्रतिक्रिया से ही लोगों को यह एहसास होगा, आपके समाज को एहसास होगा कि आप किस प्रवृत्ति के हैं। सपोज करिए कोई परेशानी आई, कोई दुर्घटना हुई, कोई घटना घटी, कुछ भी, उस परिस्थिति में आपके क्या रिएक्शंस हैं, आपके शारीरिक क्या हाव भाव हैं, उसी से देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं, किसी चीज़ के प्रति आप कितने एक्साइटेड हैं, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर कितना गुस्सा है। ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाती हैं, धैर्य। चलिए कोई बात नहीं, तो ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का क्या, जरा देखिए, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, शेप डिफरेंस है ना। बाकी अगर ध्यान से देखिए आप इस फिगर को, तो इसमें भी छह सरफेस हैं, एक दो सरफेस दिख गए आपको। चलिए ये रहा तीन, और ये रहा चार, और सामने वाला मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दे रहा हूं, पांच, और पीछे वाला क्या हो गया, छह। तो ऐसे ही छह इसमें भी हैं। तो अगर देखा जाए इन छहों के बीच में रिलेशन, तो ये लंबाई है, यानी ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हम लेंथ को लिख दे रहे हैं एल से, विड्थ को लिख दे रहे हैं डब्ल्यू से, और हाइट को लिख दे रहे हैं एच से।
कभी कभी इसी को लेंथ को स्मॉल एल, विड्थ को स्मॉल डब्ल्यू और हाइट को। अब इन तीनों में जरा रिलेशन देखिए। तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप ऐसे जैसे हमने क्यूब में पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसी क्यूब में आपको 6 सरफेस समझना है। तो अगर यह लेंथ है तो मैं इसे विड्थ मान ले रहा हूँ, इसे हाइट मान ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें यह एरिया निकालना है, यह वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेंथ इंटू हाइट यानी एल एच इधर का भी और इधर का भी, ये भी तो साइड होगा ईंट का, तो लेंथ इंटू एच, तो एल एच इधर भी होगा और ये वाला भी हमारा क्या होगा? एल इंटू एच, ये भी क्या हो गया? एल इंटू एच। आई बना रहना चाहिए भाई, देश का हमारा नाम है तो ईंट आई, अजर अमर भारत देश ना। चलिए भाई, तो ये हो गए दो एरिया। अब जरा बॉटम का सोचिए, बॉटम पे ये W है और ये L है, तो W इंटू L, बॉटम वाला ये वाला, ये तो ये बॉटम में भी है और टॉप में भी है, तो ये हो गया W इंटू L। अभी दो दो हैं, मैं डायरेक्ट अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और फ्रंट का जरा देखिए, जिनको मैं वाइट कर दे रहा हूँ, तो ये W है, ये H है, तो W इंटू एच, तो W इंटू एच, तो ये फ्रंट का एरिया है, तो बैक साइड में भी है। तो जरा आप मुझे ये बताइए, ये सभी लोग कितनी कितनी बार हैं? दो दो बार, सब दो दो बार है। और जब इनको आप जोड़ देंगे तो 2 मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, 2 मैं अगर कॉमन ले लूँ पहले से ही, तो लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू डब्ल्यू प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर अब हम यही बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमने क्या बताया था भैया? एरिया आपको चाहिए, तो एरिया हम ले लेते हैं एल इंटू डब्ल्यू का, ये हो गया एरिया, बस इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से। एल इंटू डब्ल्यू और मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया क्या? एल डब्ल्यू एच यानी एल डब्ल्यू एच। अच्छा, कोई कोई लोग इस विड्थ की जगह पे बी लिख देते हैं, वो ब्रेड्थ होता है ना, बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेड्थ, तो वहाँ पे आप बी भी, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। एल बी एच, तो ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ध्यान रहे, यूनिट सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का आपका क्या होगा? क्यूब होगा। तो फॉर्मूला समझ में आया? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। तो एट रैंडम ईंट का ही नाप ले लें क्या? ईंट, चलिए ईंट की लंबाई मान लेते हैं, ओके, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, चलिए यही मान लीजिए 5, 10, 15। तो वॉल्यूम क्या होगा? अभी इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, अभी तो केवल समझना है, घबराइए मत, पूरा एकदम माहौल बना के पढ़ाया जाएगा। 15 × 10 × 5, तो 15 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यूनिट देख लीजिए भैया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 15 × 150 × 750 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अगला है वॉल्यूम के बाद, अगला क्या है? सरफेस एरिया। यहाँ पे अभी मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, तो 2 इंटू
लंबाई गुणे चौड़ाई, इस फॉर्मूले को रट नहीं लेना है कि रट लिए, रटना नहीं है, समझना है। कहीं कहीं क्या होगा, एक ऐसा डिब्बा दे देगा जहां ऊपर वाला होगा ही नहीं, कहेगा इसमें पानी भरो, तो ये वाला है ही नहीं, तो आप वहां भी टू कर दिए। हमको एरिया काउंट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पहले से ही बोला है कि ये क्यूबॉइड है और इसके 6 सर्वेल एरिया है, मतलब क्वेश्चन को रीड करके समझना होता है, ठीक है ना। चलो, 2 गुड़े लंबाई इंटू चौड़ाई तो कितना हो गया, 15 गुड़े 10 प्लस विड्थ इंटू हाइट, तो विड्थ कितना हो गया 10, इंटू हाइट कितना हो गया 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट कितना है 5 इंटू लेंथ कितना है 15, मल्टीप्लाई करो भाई कितना है 2 इंटू 15, 10 जा 150 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 13 5 जा 75, जोड़ लो भाई 15 5 20 275, तो 2 गुड़े 275, 75 दूना 150, 2 दूना 4, 400 और 150 कितना हो गया 550 यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे थे, एरिया, और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर क्यूब, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके यह बात समझ पाए हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे होता है, ठीक है ना। तो इतना हम लोग समझ लिए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिलेंडर समझेंगे, फिर उसके बाद स्फीयर समझेंगे, फिर क्यूब कोन समझेंगे, फिर फ्रस्टम समझेंगे, इस तरीके से। अब अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को स्फीयर समझाऊंगा, स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर क्या होता है वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, राष्ट्र का सम्मान करिए, देश की सेवा करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे भी घर के हमारे छोटे भ्राता भारतीय नौसेना में हैं और हमारे दादाजी भी देश की सेवा कर चुके हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, 1996 में कैप्टन पोस्ट से रिटायर हुए थे। तो हम एक फैमिली ऐसी फैमिली से हैं जहां पे देश के प्रशासनिक सेवाओं और इन सभी चीज़ों का ज्ञान है। और हमारे छोटे भाई इस समय अंडमान निकोबार में उनकी पोस्टिंग है, ठीक है ना। तो चलिए, फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो उनसे भी बातचीत करके आप सभी लोग को बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।